चलते गाने इसकी वजह ये हुई कि ये जो स्लाइड हुई है आप देख रहे हैं पीछे से स्लाइड हुई है, इसकी मेन वजह यही है ये जो ग्राउंड बना। और इस ग्राउंड के बने ये जो कंपनी वालों ने मलबा डाला था इसको तकरीबन 6-7 साल हो चुके और ये सेट हो चुका था। अगर इसको छेड़ ना करते, ये ग्राउंड ना बनता, छेड़ ना करते इसको, यानी मदाखलत ना करते इसके साथ, ये नहीं आता नीचे, क्योंकि सेट था, इसमें घास फूस ये उभर चुका था। अब ये सेट हो चुका था और हमने यही कहा था पहले भी कि जनाब इसको छेड़ ना करो, ये स्लाइड होगी, ये नुकसान पहुंचेगा केनों को और कलानी को। अब वही बात हुई है, ये स्लाइड आज हुई है। ये आप देख लीजिए जी, ये जितना लूज मलबा था वो सारे का सारा नीचे आ गया और इसकी वजह यही है कि ये जो ग्राउंड बनाया इन्होंने। और दूसरी बात, आपने स्लाइडिंग हुई है, ये मैंने पहले भी हमारे मीडिया वाले जो हमारे साथ थे मैंने उनको भी दिया, और स्टेप बाई स्टेप मैं यहाँ आपको भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो स्लाइडिंग हुई है पूरा पहाड़ था, और पहाड़ जो था उसका कोई ये नहीं हमें लग रहा था कि ये पहाड़ नीचे इसके बीच में आया, लेकिन कुदरत की तरफ से आज देखें कि 3-4 दिन से कितनी बारिशें और पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी स्लाइडिंग जो हुई है, जो ये फ्लड जो है ये फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है। और प्रोजेक्ट का उस कनाल में पड़ गया वो पत्थर निकालते निकालते आज 12 बजे जो है फिर पीछे से और पहाड़ आ गया, तो उसको नीचे जब उसका पानी रुका तो वो ओवर फ्लो पानी जो है नीचे आने लगा, उसमें थोड़ा सा लोग परेशान हो गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ये तकरीबन कोई 50-100 मीटर पोर्शन है, 50 मीटर जिसमें ये स्लाइडिंग आई है। एक वहाँ से रात को भी पत्थर आए थे तो पीछे वो पहाड़ पूरा नज़र आ रहा था, लेकिन जब वो पत्थर निकाले तो पीछे से पहाड़ जो है वो पहले ही क्रैक हुआ था, वो पहाड़ पूरा आके नीचे आ गया। ये कैनू का है, ये मेरी पंचायत है, मैं पंचायत का सरपंच हूँ, ये कैनू कलानी पंचायत है, इसमें जो है ये पहाड़ी की वजह से ये जो नाम साहब ये ब्लॉकेज हुई है। अभी भी उनको लगाया, मशीनें लगी हैं, इसको रिस्टोर कर देंगे और इसको थ्रू करेंगे पानी।